सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुर्ती की ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ, लेडीज़ कुर्ती की ड्राफ्टिंग, जो कि कई लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, जैसे कि कॉलर वाले नेक में कितना तीरा हो या फिर बोट नेक में कितना तीरा हो। एक मेरे पास कमेंट में भी पूछा गया था कि बोट नेक में कितना तीरा होना चाहिए, तो आज मैं सबके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैं ड्राफ्टिंग में बताऊंगी आज। तो देखिए, हमारा नाप ये है, हमारी लेंथ है 38, हमारा शोल्डर है 14 इंच, हमारा ब्रेस्ट है 40 इंच और हमारा वेस्ट है 34 इंच और हमारा हिप है 40 इंच। तो ये हमारा नाप था फ्रेंड्स। मैं आपको तीन नाप बता देती हूँ जिसमें हम जो हमारा नाप निकलता है उसका चौथा करते हैं। तो कौन से वो तीन नाप हैं? एक ब्रेस्ट में करते हैं, वेस्ट में करते हैं और हिप में करते हैं। इनमें हमारा जो भी नाप आता है उसका चौथा करके हम हाफ प्लस करते हैं जब कुर्ती पे काटते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये जैसे जो है, जैसे आपका 40 निकला है, इसमें पहले 2 ऐड करके फिर आप चौथा भाग निकाल सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। तो मैं इसके हिसाब से आज आपको ये ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें लेंथ है 38, पर जो मेरी ये ड्राफ्टिंग की लेंथ है वो 34। आप कपड़े पे ऐसे ही बढ़ा सकते हैं लेंथ। हम अपना तीरा लेंगे, हमारा तीरा है 7, ये हमने 7 ले लिया और हमारा आर्म होल का साइज होगा 7। जो हमारी ब्रेस्ट है वो है 10, सारी है हमारी ब्रेस्ट जो 10 थी, तो उसमें हम हाफ प्लस करेंगे तो हो गया 10.5, तो ये 10.5। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो ये हमारी डाउन ब्रेस्ट का माप होता है, यहाँ पे ये डाउन ब्रेस्ट है, और आप जो ब्रेस्ट टॉप ब्रेस्ट होती है उसका भी माप ले लें, वो 11 या 12 ऐसी होती है जो टॉप ब्रेस्ट होती है हमारी, तो हम टॉप ब्रेस्ट का भी इतना ही रखेंगे अपना माप 10.5। इसको हम मिला लेते हैं पहले ताकि आपको अच्छे से दिख पाए फिनिशिंग से। 10.5 हमने इसको ऐसे मिला लिया और 10.5 इसको मिला लिया, ये दोनों बराबर रहेंगे। कई बार होता है ये ज़्यादा कर देते हैं, जैसे ये आगे तक बढ़ा दिया और इसको ऐसे मिला रहे हैं, तो ये हमारी आर्म होल होती है बाजू में, ये ढीला ढीला सा लगता है, फिर ये हमारा सीधा। अब हमारी जो वेस्ट है वो है 34 का हमने चौथा किया था तो 8.5 निकला था, उसमें हम हाफ प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो हम यहाँ से 9 लेंगे। नॉर्मली तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, ये नापना नहीं पड़ता, आप नाप भी सकते हैं, पर ये जो शोल्डर से कमर तक ऐसे लंबाई में ये 14 या 15 होता है, ज़्यादातर हम 15 लेते हैं, तो ये कमर का हम 15 पे लेंगे। ये ज़्यादातर ऐसे ही रहता है, इसको नापने की ज़रूरत नहीं है, कमर से ये कमर का लगाने के लिए शोल्डर से 15 लेंगे तो हमारा कमर आ जाएगा, तो कमर पे हमें 9 इंच लगाना है। ये हमारा हो गया। और हिप का ये भी हमें नापना नहीं पड़ता, इसको भी हमें नापना नहीं पड़ता, ये नॉर्मली ऐसे ही रहता है। हिप 21 या 22 यहाँ से लंबाई में, शोल्डर से 21 या 22 जैसे हमने कमर पे लिया था, यहाँ पे 14 या 15, ऐसे ही हिप का हम लेंगे शोल्डर से 21 या 22, तो हम 22 पे हिप का अपना निशान लगाएंगे। और हिप भी हमारी 40 इंच थी, तो 40 में हम चौथा करेंगे तो 10 और 10 में हाफ प्लस करेंगे तो 10.5 यहाँ पे लगा लेंगे हम निशान इस तरीके से। घेरा हम आजकल सीधे लोग पहन रहे हैं, सीधा बना रहे हैं, तो घेरा भी इतना ही रहेगा 10.5, तो हम सीधा ही लेंगे घेरा। तो ठीक है, इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे हमने 7 लिया था, यहाँ पे हम 6.5 लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम मिला लेंगे सबको। फ्रेंड्स, ज़्यादातर होता है कि जो ब्रेस्ट अगर हैवी होती है तो हमारी जो कमर ज़्यादा छोटी रहती है, तो यहाँ पे हम 0.5 इंच बढ़ा लेंगे कमर का,
और बैक में दो प्लेट लगा लेंगे ताकि ये कवर हो जाए हमारा। हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे नहीं तो हमारी फिटिंग सही नहीं आती, ज़्यादा अगर कमर छोटी हो जाती है तो हम इसको हाफ इंच यहाँ से बढ़ाएंगे और जो बैक बैक साइड का जो हमारा कुर्ता रहता है हम उसमें प्लेट्स देंगे, जो यहाँ पे प्लेट्स आती है वो वहाँ पे हमारा ये कवर हो जाएगा। ये इस तरीके से हम इसको बढ़ा लेंगे तो ये आधा इंच बढ़ गया, नहीं तो हमारी फिटिंग सही नहीं आती, ज़्यादा हम कमर में अपना टाइट कर लेते तो। और हम यहाँ से भी घेरे से 10.5 लेंगे, यहाँ पे हम सीधा मिला लेंगे इस तरीके से। आर्म होल में हम यहाँ से 1 इंच लेके इसको हम इस तरीके से गोल मिला लेंगे। और जो हमारा फ्रंट यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है कम से कम 1.5 इंच आ गया ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जो बोट नेक होता है उसमें भी इतना ही तीरा रखा जाता है, नॉर्मल जो आपका आए उसमें भी इतना ही होता है। और पर जो कॉलर नेक होता है, कॉलर नेक में हम 1 इंच बढ़ा लेते हैं अपनी तरफ से, कॉलर नेक में 1 इंच बढ़ा लेते हैं, जैसे 7 आ रहा है हमारा तीरा तो 8 कर लेंगे डबल पे। और अगर हम नेक डीप काटते हैं, 5 से अगर ज़्यादा नेक डीप जाता है तो हम तीरा इससे 7 से भी कम कर लेते हैं 1 इंच छोटा। कॉलर नेक होता है तो 1 इंच बढ़ा लेते हैं और नेक डीप कटता है तो उसमें 1 इंच तीरे से अपने जो नॉर्मल तीरा होता है उससे 1 इंच कम कर लेते हैं। वो इसलिए कि जो कंधा, अगर हम गला तो बड़ा बना लेंगे हम नेक बैक साइड या आगे का बड़ा बन गया नेक, तो अगर तीरा उतना ही रहेगा हमारा तो वो कंधों से गिरता रहेगा, इसीलिए हम इसमें से जो हमारा नॉर्मल तीरा आता है जैसे कि 14 है उसका आधा करेंगे तो 7 आया है, तो 7 में अगर हमारा नेक डीप है पीछे का 7-8 ऐसे बनता है या 6 बनता है तो हम उसमें क्या करेंगे 1 इंच कम कर लेंगे, हमारा 6 जाएगा फिर। पर बोट नेक में हम इतना ही लेंगे, बोट नेक में हमारी ब्रॉडनेस तो ज़्यादा होती है, जैसे 5 ले लिया हमने, नॉर्मली तीरा रहेगा बोट नेक में, बोट नेक में कुछ भी नहीं होगा, जो आपका आया है वही रहेगा, क्योंकि उसकी जो ये डीपनेस होती है बोट नेक की वो कम होती है, इसलिए वो कंधे से गिरेगा ही नहीं। तो ये इस तरीके का था। तो चलिए हम इसको काट लेते हैं और हम इसका बैक साइड का भी आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। ये फ्रंट साइड का है, बैक साइड का करके इसको मिला लेंगे। ये हमारा बैक साइड का होगी। ये कपड़े भी जब हम काटेंगे तो यहाँ से 2-2 इंच या 1.5-1.5 इंच छोड़ देते हैं मार्जिन के लिए। चलिए इसको काट लेते हैं। नेक अभी नहीं काटा है हमने, नेक की ब्रॉडनेस जो है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3.5 ऐसे रहती है इस तरीके से। और इसमें भी फ्रेंड्स, ये जो मैं जिसका बना ये बनाऊंगी ये पैटर्न रख के मैं सूट पे भी काटूंगी तो उनका जो नेक है पीछे का डीप है 8 इंच जाएगा, तो मैं इसका तीरा कम कर लूंगी। ये उनका नॉर्मली तीरा 7 आ रहा है तो मैं इनका 6 पे ले आऊंगी तीरा। तो मैं इसको अभी तो ये बता देती हूँ आपको साथ ही साथ, इसको मैं 6 करके इस तरीके से, क्योंकि यही पैटर्न रख के मैं सूट पे भी काटने वाली हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी। अब इसको मैं गोलाई दे दूंगी, मैं डिफरेंट कलर से करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ये हमारा ये आपका माप है, इसको भूल जाए और पीछे का इसको भूल जाए और 1/2 इंच यहाँ से डाउन जाएगा ये इस टाइप से। इसको हम इधर से मिला लेंगे ये इस तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, को काट लेते हैं हम। यहाँ से वैसे हल्की गोलाई जाएगी, मैंने तो आपको इस तरीके से बताया। ये हम बैक साइड का कट रहा है अभी हमारा, ये देखिए। अब फ्रंट का, ये जो हमने फ्रंट का ज्यादा कटता है आर्म होल, अब ये फ्रंट का भी हटा लेंगे, इसको काट के अलग कर लेते हैं।
अब ये एक पल्ला पकड़ेंगे और यहाँ से ये फ्रेंड ये फोर लेयर होती हैं। अगर कपड़े पे हम काटेंगे फोर लेयर होती हैं, पर मैं आपको ऐसे कागज पे बता रही हूँ तो ये टू लेयर है, ये फ्रंट का और ये बैक का। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल भी कट गया, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट का है, ये बैक को एक साइड में रख लेती हूँ, फ्रंट का बता देती हूँ पहले मैं आपको। ये हमारा फ्रंट का है, फ्रंट में ऐसे मुड़ा होना चाहिए दो साइड, ये सिंगल पैटर्न है पर ऐसे दो साइड मुड़े होने चाहिए। हम खोलेंगे तो पूरा हमारा इस तरीके से, पूरा इस तरीके से आना चाहिए, पर ये एक फ्रंट का एक बैक का है, ये देखिए इस तरीके से आना चाहिए। जब हम खोलेंगे तो यहाँ से फोल्ड होना चाहिए, मुड़ा हुआ होना चाहिए। ये हो गया फ्रंट की बात, अब मैं आपको बैक का बताती हूँ। ये हो गया हमारा बैक साइड, बैक साइड में मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मैंने फिटिंग में कमर में ज़्यादा आधा इंच ज़्यादा छोड़ दिया है, तो मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगी अपनी प्लेट वो देखिएगा। यहाँ से नॉर्मली जो हमारी प्लेट की जो प्लेट आती है नॉर्मली, उसमें कोई नापने की ज़रूरत नहीं है, वो 11 पे आती है। ये इस तरीके से ये 11 पे आती है, फोल्ड कपड़े पे, ये भी फोल्ड रहेगा यहाँ से भी, तो वो 11 पे आती है। 11 से हम 3.5 इंच पे ये हमारी प्लेट जाएगी, और ये 8 या 9 या 8.5 आप इस तरीके से रख सकते हैं। मैं ये 8 ले लेती हूँ, यहाँ से भी 3.5 लेंगे इस तरीके से, और मैं ये 8 ले लेती हूँ, 8 ले लिया मैंने, इसको बराबर कर दूंगी इस तरीके से, और इसके बीचों बीच 8 है ना, ये 8 है, तो इसका 8 का बीच ये 4 पे होगा, 4 पे ऐसे आधा आधा इंच यहाँ पे, आधा इंच यहाँ पे, इस तरीके से हमारी प्लेट जो लगेगी। और ये दोनों साइड में होगा, बैक साइड में दोनों साइड, फ्रेंड्स। वैसे मैंने अपनी सूट कटिंग की भी और सूट सिलाई की भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ये देखिए, ये हमारी ऐसे प्लेट में हम सिलाई लगाएंगे। वैसे मैं आपको सूट पे बताने वाली हूँ, आगे जो मेरी वीडियो आएगी उस पर भी मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ, पर ये कुछ डाउट थे जिनको मेरे को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। फ्रेंड्स देखिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।